मैं रफीक शानदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बुमराह कौसा की, एक जानी मानी हस्ती। वर्ष 2007 में कांग्रेस से जिनकी पत्नी, जिनकी अहलिया नगर सेविका रह चुकी है, और फिलहाल ये शख्सियत ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM से जुड़ी हुई है, सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है। हमारे तमाम व्यूवर्स, तमाम बुमराह कौसा के, कलमा बुमराह के तमाम लोगों को एक चौंकाने वाली खास ऐसी जानकारी आज हम पहले उनसे बातचीत करने से पहले हम आपको बता रहे हैं। एजाज खान का जो बुमराह आना और चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ने की जो तैयारी उनकी है, इन सब में इन साहब की जो है बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा अहम रोल है। तो हम आपको बताते, इस शख्सियत का नाम है नसीर खान साहब। तो आइए, हम विधानसभा चुनाव सर पर है, एजाज खान की उम्मीदवारी, शहर का विकास, शहर का विपक्ष, शहर की सत्ताधारी पार्टी, उसके सारे दावे, इन तमाम चीजों पर नसीर खान साहब से बात करते हैं। नसीर भाई, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पहली बार आप हिंदुस्तानी रिपोर्टर पर आ रहे हैं, और सबसे पहले मैं आपसे, पहली बात मेरी ये रहेगी कि महज 6 घंटे के नोटिफिकेशन पर, 6 घंटे की इत्तला पर एजाज खान को आप बुमराह लाए, क्या सोच थी आपकी? एजाज खान के अलावा बुमराह कौसा में काम करने वाले, अपने आप को MIM के जो है बहुत ही एक्टिव मानने वाले अलग अलग लोगों ने, लगभग 8 से 9 लोगों ने, जिनमें पूर्व नगर सेवक भी हैं, वर्तमान अध्यक्ष भी हैं, और एक वर्तमान नगर सेवक भी है, और एक पूर्व महापौर भी है, जिन्होंने MIM से टिकट मांगा है, उनको छोड़ करके आपने बुमराह कौसा की राजनीति में एजाज खान का प्रवेश कराया। और अब जो है ऐसा माना जा रहा है कि लगभग एजाज खान ही MIM के उम्मीदवार हो सकते हैं, 99% ये बात जो है कन्फर्म मानी जा रही है, 1% जो है ऐसा है कि 19-20 कुछ हो सकता है, मगर लगभग एजाज खान का कलवा बुमराह विधानसभा क्षेत्र से MIM के टिकट पर चुनाव लड़ना तय है। तो ये सारी सोच, ये सारा कंसेप्ट, ये सारी राजनीतिक गोटियां फिट करना, इस तरीके का पूरा जो है सेटअप करना, कहां से आपको सूझा और क्या बताएंगे आप इसके ऊपर? अस्सलाम वालेकुम रफीक भाई, हिंदुस्तानी रिपोर्टर का शुक्रिया अदा करता हूं जिसने मुझे बात करने के लिए मौका दिया। और जो है अभी आपने सवाल किया कि ये गोटियां जो है कहां से कैसे फिट हुई। कामदार साहब, जैसे ही ये चर्चा चालू हुई कि अब जो है इलेक्शन करीब आ रहे हैं और फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो मुझे तो इलेक्शन लड़ना नहीं था, मैंने तो फॉर्म भरा नहीं, आपने देखा है जी। लेकिन जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, पहले तो मैंने उन पर सर्वे किया। अभी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरे 9 के 9, 10 के 10 लोगों के साथ था मैं, लेकिन चूँकि हमारे सदर रऊफ लाला साहब चाह रहे थे फॉर्म भरना, तो पहली चॉइस तो हमारी समझो वही थी। लेकिन बाद में जब बैठकर बात हुई तो उनकी भी राय सामने ऐसी आई कि यार मैंने फॉर्म तो ज़रूर भरा हूँ, लेकिन एक अच्छा मजबूत कैंडिडेट अगर कोई बाहर से आता है तो इंशाल्लाह पहले उसको कंसीडर करेंगे। नसीर भाई, आप देखिए उसके बाद जब मैंने गौर किया, मुंबई के मेरे लोगों से जाकर मैंने बात की, इस बार बुमराह के ताल्लुक से मैंने जो संजीदगी उन लोगों के सामने रखी कि भाई आप लोग बुमराह के लिए भी ज़रा संजीदा हो जाओ, सिर्फ ऐसा नहीं कि आप मुंबा देवी, आप बाइकल्ला और आप बांद्रा ईस्ट, सारी बातें मेरे सामने ही होती थी, और बांद्रा वेस्ट और मलाड़ गवंडी, तो ये सारे डिस्कशन मेरे सामने होते थे और मैं देखता था कि यार बुमराह का कहीं जिक्र ही नहीं आता है जी। तो मैं उनको बार बार कहता रहा कि यार मुला ऐसा मत करो, आप लोग इस बार बुमराह को आप लोग संजीदगी से लो, देखो मेरी बात सुनो, वहाँ के लोग जो है ना मुतबादिल ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं है मैं बोला जैसा आप लोगों को दिखाया जा रहा है या जैसा आप लोग सोच कर बैठे हो। बुमराह बहुत अच्छी ज़मीन है मैं बोला, आप लोग हमारा कॉरपोरेशन इलेक्शन उठाकर देखो मैं बोला, आपको पता चल जाएगा कि लोग जो है किस तरह से मुतबादिल ढूंढ रहे हैं। रफीक भाई, क्या गलत था मेरा? नहीं, सही है, मैंने ये बात लोगों के सामने रखी और कॉरपोरेशन इलेक्शन को और ज़्यादा खोल के मैंने उन लोगों को दिखाया, तो लोगों ने मेरा ओपिनियन मांगा कि भाई जो है इस पर आप क्या चाहते हो, मतलब कौन होना चाहिए यहाँ पर। तो आप यकीन जानो मैं कई दिनों से मतलब जो है ना एजाज खान को फॉलोअप कर रहा था। अच्छा, कई दिनों से एजाज खान को मैं कई महीने से फॉलोअप कर रहा था और मैं देख रहा था कि मतलब उसमें एक चीज़ मैं देख रहा था कि यार नहीं यार ये अभी सिर्फ फिल्मी शख्सियत ना रहते हुए
ये जो है एक बहुत अच्छी सोशल शख्सियत बन के उभर रही है। अच्छा, उनके अंदर एक जो सेंटेंस मैं देख रहा था ना, सोशल सेंटेंस, और मतलब जो है एकदम जमहूरियत के अंदाज में बात करना, हिंदू मुस्लिम को दूर रखते हुए सरकार के खिलाफ बोलना खुलकर पूरी ताकत के साथ, देखो कहीं ना कहीं वो आदमी के सामने पूरा मुस्तकबिल पड़ा हुआ है, लेकिन जो हिसाब से वो सरकार के सामने आ रहा था बार 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 बार, और उसका खामियाजा भी उसको भुगतना पड़ा, आपने देखा कई मतलब ऐसे मामलात में उसको जो है मतलब जेल का मुंह देखना पड़ा, तो वो एक शख्सियत रफीक भाई यकीन जानो कुदरतन मेरे दिमाग में घूम रही थी, कुदरतन मेरे दिमाग में घूम रही थी, और हमारे पास में वक्त बहुत कम बचा था, हमारे पास में वक्त बहुत कम बचा था, तो मैंने अपने लोगों के सामने उनका नाम पेश कर दिया। मैं बोला यार इनको नहीं, उससे पहले मैंने एक बार एक वीडियो देखा जिसमें मैंने उनको बात करते हुए सुना कि अबू हाशिम आजमी और असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, आप लोग मेरे बारे में क्यों नहीं बोलते, क्या प्रॉब्लम है, आप कन्हैया के बारे में बोलते हो और अब इसके बारे में बोलते हो। एक वीडियो उनका मैंने मेरे सामने आया था, मैं बोला यार ये तो असदुद्दीन साहब को अप्रोच हो रहे हैं। हाँ, ये उनकी जो गिरफ्तारी हुई थी 07 के मामले में, उसके बाद की बात, उसके बाद की बात। तो मैंने कहा कि यार मुला ये तो खुद सामने से अप्रोच हो रहे हैं, तो मुझे और ज्यादा मतलब उसमें शिद्दत पैदा हो गई मेरे अंदर, और मैंने अपने लोगों के साथ में बंबई के जो मेरे मुखलिस लोग हैं उनके सामने मैंने बात को रखी, तो उन्होंने कहा ठीक है बात की जा सकती है, और यकीन मानो ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उस रोज बात हुई और दूसरे दिन फोन आया कि यार फौरन जाके मुलाकात करो, और मुलाकात किए, जैसे ही मुमराह का हाल उनके सामने हम लोगों ने रखे, आप तो देखिए कौन सी टीम मिलने गई थी, सब सरकर्दा लोग ही गए थे, मुमराह के सरकर्दा लोग मिलने गए थे, ऐसा नहीं आप थे, महेंद्र कुमार लेकर थे, रऊफ भाई थे। जब मैंने इंट्रोडक्शन उनको दिया कि मौला ये महेंद्र कुमलेकर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और 3 बार नगर सेवक रह चुके, और फिर मैंने अपने बारे में बताया, रऊफ लाला साहब के बारे में बताया, बेग साहब नगर सेवक, तो उनको ऐसा लगा कि यार कोई टीम आई है मेरे पास। मैंने जब तारुफ कराया तो उन्हें ऐसा लगा कि नहीं यार वाकई कोई टीम मुझे मिलने आई है, मिलने आई है। तो उन्होंने फौरन इच्छा जाहिर की कि चलो मैं नसीर भाई कल के कल आता हूँ, मैं बीकेसी जा रहा हूँ, बीकेसी में मेरा एक कॉन्सुलेट में काम है, वहाँ जुमा पढ़कर, तो मैंने कहा है फिर आप जुमा अगर बीकेसी में पढ़ने वाले हो, अपनी रिहायश में नहीं पढ़ रहे हो, बाहर ही पढ़ना है, तो क्यों नहीं आप जुमा जो है मुमरा में पढ़ लो। इस तरह से रफीक भाई ये मामला शुरू हुआ, और यकीन जानो मैं बहुत शौक हो गया, मतलब मेरे लिए इतना शॉकिंग था, मैं सोच नहीं सकता था कि लोग इतने मतलब बेचैनी से इस शहर में मुतबादिल ढूंढ रहे हैं, मतलब लड़कों का हुजूम और ये सब तो ठीक है, यंगर्स तो उनके वैसे भी दीवाने हैं, लेकिन मैंने एक अजीब कैफियत देखी कि मुमराह के घर घर से औरतें निकलकर जो है मतलब उनसे मुलाकात करना, और ऊपर से चिल्ला चिल्ला के बोलना कि एजाज भाई आप आओ हम तुम्हारे साथ है। ये मैं आपको कहां की बात बता रहा हूँ, कुछ देर के लिए मतलब उनके कुछ रिश्तेदार आके उनको लेके चले गए थे जीवनबाग की तरफ, मुमराह देवी रोड पे, वहां पे लोग चिल्ला रहे तनवर कॉम्प्लेक्स में। रास्ते में जब मैं उनको लेके आ रहा हूँ तो गुलाब पार्क और यहाँ वहां की बिल्डिंगों से झांक कर मतलब मैं तो मतलब समझ नहीं पाया कि इतनी फास्ट चर्चा घर घर कैसे हो गई इस बात की। तो इस तरह से भाई ये वाकया पेश आया। और रही बात मतलब आपने एक सवाल किया कि भाई जैसे महेंद्र कुमलेकर, नईम खान साहब, इन तो इनको कंसिडर, मैं इनको अंडरस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ जी, नो डाउट नईम खान एक बहुत मशहूर शख्सियत है जी, लेकिन हमने कई जराए से नईम खान साहब को ये मैसेज पहुँचाने की कोशिश की कि नईम खान साहब अगर आप लड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल मतलब हम आपके साथ में खड़े रहेंगे, तैयार हैं, लेकिन ये कैसे होगा कि आपका बेटा जो है सामने वाले के गोद में बैठा हुआ है और आपको लेके हम चलें, ये कैसे मुमकिन है? तो आप थोड़ी हिम्मत जुटाएं, हिम्मत करें, अपने बेटे को इस्तीफा दिलवाएं, इंशाल्लाह हम खड़े रहने को तैयार है। रूबरू तो देखो रफीक भाई मेरी बात नहीं हुई, लेकिन कई जरा है मतलब बॉम्बे के कुछ लोगों ने हमसे कहा कि यार रफी अपना ये नईम खान को आप लोग कंसिडर क्यों नहीं करते, तो मैंने उनसे भी खुल के कहा कि मतलब देखो शहर की मारूफ और मशहूर शख्सियत है, हमको ऐसा कोई जाति प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वजह है जिसकी वजह से हम उनके साथ में चल नहीं पाएंगे, लोगों को हम क्या जवाब देंगे, सियासी अड़चन है, सियासी अड़चन। और बाकी सारे जो कैंडिडेट हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जतेंद्र अवार्ड जैसी शख्सियत को फेस करना, इसमें कोई मतलब मैं संकोच नहीं करूंगा ये बोलने में कि मुझे लगता है कि अभी और थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा, कैपेबल नहीं है या फिर मैच्योर नहीं है, एक लेवल पर पहुंचे नहीं है। एक नईम खान साहब की शख्सियत थी और एक महेंद्र कुमलेकर थे, दो लोग थे, लेकिन जब महेंद्र कुमलेकर से बात की गई कि यार तुम भी एक सीनियर हो और तुम्हारा भी मुमराह को सामने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तुम ये मत सोचो कि मुस्लिम इलाका है हम कैसा करेंगे ये सब, मैं बोला तुम पूरी जिंदगी तुम्हारी मुसलमानों के साथ में गई, लेकिन उनका भी ये कहना था कि नहीं यार अगर कोई अच्छा कैंडिडेट, बेहतर कैंडिडेट बाहर से आता है, फॉर्म जरूर भरा हूं मैंने, लेकिन मैं पहले ये सोचूंगा कि आप लोग अपने समाज में से किसी को तरजीह दो। तो ये सारा मामला रहा रफीक भाई।
हसीर भाई, ठीक है, आपने तो पूरी जमीन बता दी कि कैसे तैयार हुई आनन फानन में और कितने जल्दी उस पर जो है काम किया गया। आप MIM के एक सरकर्दा नेता हैं मुमरा कौसा के, और बंबई में आपकी एक वसी जमीन रही है, आपका खानदानी मतलब पूरा ताल्लुक ऐसा रहा है सोशल एक्टिविटी से, तो आपके बहुत सारे ताल्लुकात हैं, तो आप अपने जराए के बिना पर, आप अपने तजुर्बे के बिना पर क्या कहेंगे कि कितने चांसेस है, क्या आप बता पाएंगे कि एजाज खान ही लड़ेंगे, ये कितना तय है MIM में? रफीक भाई, ऐसा है कि आपने देखा कि जो माहौल यहां पे बना था जी, क्या आपके लिए वो शॉकिंग नहीं था? शॉकिंग था, इतने कम कम समय में 6 घंटे का नोटिफिकेशन था, मैंने पहले ही कहा। रफीक भाई, कोई होर्डिंग नहीं लगी, कुछ नहीं, कोई प्रचार नहीं, सोशल मीडिया पे प्रचार नहीं था, कोई उर्दू मीडिया में, हिंदी मीडिया, मराठी मीडिया, कहीं भी ऐड नहीं लगे उनके, कहीं ऐड नहीं गए। आपने देखा कि मतलब वो एक पूरी पार्टी के लिए शॉकिंग था। और उसके बाद में ऐसा हुआ कि इम्तियाज जलील साहब से उनकी मुलाकात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज जलील साहब ने भी बहुत मतलब उस चीज़ को अहमियत दी, उन्होंने भी एजाज खान से मुलाकात की और एजाज खान को सुना और उन्होंने भी अपनी बात रखी, वो पूरी मीटिंग मेरे सामने है। उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह असद साहब के सामने पूरी बात गई। आपने देखा बीच में क्लिप चला था कि वहाँ के एक लोकल पत्रकार ने असद साहब से सवाल किया, तो उन्होंने भी कहा कि हम उस पर गौर फिक्र करेंगे। तो अब तक तो यह है कि असद साहब के जहन तक वो बात पहुंच चुकी है, और मुस्तकिल जो लोग मतलब इस पर काम कर रहे हैं उनकी अकबर साहब से, असद साहब से इस पर मुस्तकिल चर्चा चालू है। और उनका जो यह आमद थी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आज मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि उनकी जो आमद थी वो असद साहब से बात करके ही उनको भेजा गया था। अच्छा, एक उनकी इंट्रोडक्शन एंट्री थी उनकी, असद साहब, अकबर साहब और जलील साहब ये देखना चाहते थे कि क्या चाहते हैं मुमरा के, क्या रिस्पांस मिलता है मुमरा कौसा के लोगों से, क्या रिस्पांस मिला? अच्छा रिस्पांस मिला, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा मैसेज। तो आप मतलब कॉन्फिडेंट हैं? मैं पूरा कॉन्फिडेंट, एजाज खान मैदान में आएंगे, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ। असद साहब, अकबर साहब, जलील साहब, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह इनको जरूर कंसिडर करेंगे। और उन्होंने जहां तक मुझे मालूम आते इस बार मुमरा कलवा की सीट को बहुत सीरियस लिया हुआ है। दो चीजें नसीर भाई, मैं सीधे सीधे बात करूंगा। पहली बात, जिनसे आप मुकाबला करने जा रहे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एजाज खान की एंट्री के बाद, मुमरा की एंट्री के बाद उनकी नशाखोरी को लेकर के काफ़ी बातें की जा रही है सोशल मीडिया पे, उस तरीके के पोस्ट किए जा रहे हैं कि क्या अब एक चर्सी को वोट देंगे हम, क्या अब एक चर्सी को वोट देंगे हम, तो इसकी काट क्या करेंगे आप, इसका इसके बारे में क्या मतलब खुलासा करेंगे आप, कैसे जवाब देंगे? रफीक भाई, मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा, मैं थोड़ा ऊपर जाके बात करता हूँ। आज अगर पूरे हिंदुस्तान का आप नक्शा देखेंगे, आज पूरे हमारे मुल्क में जो हालात बने हुए, आप मुझे बताइए कि क्या ये गलत है कि आज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की तर्जुमानी असद साहब नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं पॉलिटिकली सियासी तौर पर। वैसे तो हमारे उलमा कराम भी, अरशद मंदनी साहब और जो है महमूद मंदनी साहब और दूसरे उलमा कराम और बहुत से सोशल लोग हैं जो इस पर बोल रहे हैं, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। पॉलिटिकली इसमें तर्जुमानी असद साहब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, रफीक आप मुझे बताइए, ये तो ईमानदारी मानना पड़ेगा सबको, मानना पड़ेगा बराबर है, आवाज उठाते हैं मुद्दों पर। मैं लोगों से सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि एजाज खान की, देखिए, एक फिल्म इंडस्ट्री का आदमी है, बराबर है, फेम पर्सनैलिटी है, इस तरह के इल्जाम तो लगेंगे उन पर। रफीक भाई, मैं कहता हूं कि क्या आपको और हमको मालूम नहीं है कि जतन रवर क्या क्या शौक रखते हैं? क्या नहीं मालूम है हम लोगों को जी? क्या मुमरा की आवाम को नहीं मालूम है जी? क्या हम लोगों को यह नहीं मालूम है कि जितेंद्र अवार जो है किस तरह के और कौन से लेवल के शौक रखते हैं और कहां कहां जाते हैं? देखिए, मेरा को सब जगह आना जाना है ना, मैं तो मुस्तकिल दुबई आता रहता हूं, बराबर, और मैं 1990 से आ रहा जा रहा हूं जी, तो मुझे तो वहां बैठ के सारी कहानियां मालूम पड़ती है जी। तो कौन लोग उसको चला रहे हैं, उन शख्सियतों को देखिए आप, आज जो है उनकी तारीख निकालिए उनके साथ वालों की, यहां से क्या क्या थाना तक पहुंचता है, यहूर तक पहुंचता है, कौन कौन सी चीज उनको पहुंचाई जाती है, मैं उसको अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत बड़ा चैनल है और मैं समझता हूं कि उसके आपके जो व्यूवर्स है बहुत ज्यादा तादाद में औरतें हैं जी, घर घर आपका आपका चैनल पहुंच चुका है, तो उसको मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता रफीक भाई जी। तो मैं लोगों से सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि हम मकसद पर नजर रखें जी, हम देखें कि हम जो है ताकत किसकी मजबूत कर रहे हैं,
किसी की जात पे ना जाते हुए, किसके पर्सनल मामला पे नहीं जाते हुए, हम ये देखें कि यहां से अगर एक एमआईएम की सीट बढ़ती है तो असद साहब और अकबर साहब मजबूत होते हैं, इम्तियाज साहब मजबूत होते हैं। क्या मैं गलत कर रहा हूं रफीक भाई? दुरुस्त है। हम मकसद से क्यों हटे जी? इस तरह के इल्जाम तो एक इंडस्ट्री में काम करने वाले आदमी के ऊपर लगते रहेंगे। अरे जो लोग लगा रहे हैं उनकी अपनी शख्सियत भी तो देखिए क्या है वो। मतलब देखो, हम किसी मस्जिद का इमाम चुनने नहीं जा रहे रफीक भाई, यानी इन शॉर्ट दिया तले अंधेरा। हाँ, हम किसी मस्जिद का इमाम चुनने जा रहे क्या? नहीं। जिस वक्त जितेंद्र आवाड आए थे उस वक्त हमको क्या लगा था कि नहीं, बहुत सेकुलर आदमी है ना, सबको लेके चलेगा और ये नहीं वो, दुनिया भर की बातें चली थी। हमने जिता दिया, हम भी थे उसमें पेश 2009 में जी। लेकिन बाद में क्या आया सामने, क्या आया रिजल्ट सामने रफीक भाई, आप बताइए ना मुझे। उस वक्त के आप पुलिस स्टेशन के जो है 2009 से पहले के आप जो रजिस्टर चेक कर लीजिए और केसेस मालूम कीजिए और 2009 से के अब तक के एफआईआर चेक कर लीजिए आप, ये मिला है हमको। तो ये सब तो बातें होती रहेगी रफीक साहब कि भाई वो जो है ये करते हैं वो करते हैं। ठीक। अच्छा नसीर भाई, एक सबसे बड़ी बात है, अभी 2014 में एमआईएम ने यहां से चुनाव लड़ा था, उस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मौजूदा विधायक जितेंद्र आवाड़ का वो दूसरा चुनाव था, उन्होंने एक किताब छापी थी उड़ान, उड़ान, उड़ान में कई काम उन्होंने गिनाए थे। वैसे ही अब 2019 में एक किताब फिर आई है उनकी जो घर घर बांटी जा रही है मुमरा कौसा में, विकास की मोहर, मोहर विकास पर, मोहर विकास पर जी। ठीक है, तो क्या कहेंगे आप इस विकास के दावे को लेकर के, कितना काम हुआ है? देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, आपके घर में 5 वर्ष के लिए मुमरा कौसा में नगर सेवक पद रहा है, आपने कांग्रेस में एक्टिव पॉलिटिक्स की, शहर में आपने सामाजिक और सियासी दोनों काम किए हैं। तो जो भी दावे हैं कि 2009 से 2019 ये 10 सालों में ही मुमरा डेवलप हुआ है, जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ इन 10 सालों में हुआ है, उससे पहले मुमरा बदहाल था, मुमरा का पुरसाने हाल पूछने वाला कोई नहीं था, ये जो दावे हैं सत्ताधारी पार्टी के, उनके विधायक के, उनके गुणगान गाने वाले तमाम मुन्ना मुन्नी उन्नुमा टोली जो कहलाई जाती है उनके, तो क्या इसका आप इस जवाब देंगे? वो जो किताब की आप बात कर रहे हो ना रफी साहब, मैंने वो किताब को देखी जी, अभी कुछ 4-5 दिन पहले मेरे सामने वो किताब आई थी। तो मुझे याद आया कि जब हम लोग ट्रेन में सफर करते थे 1990 में, यहाँ से मुसाफिर खाना जाते थे, तो अक्सर स्टॉल पे ना मिमिक्री की किताबें लगी हुई रहती थी, कार्टून की, अक्सर लोग लेते थे उसको जो ट्रेन में टाइम पास के लिए पढ़ते थे। अच्छा, वो साबू और चाचा चौधरी। हाँ, अच्छा, तो उस टाइप का कुछ मामला लगा मुझे, आपको मतलब जो ने ताजुब होगा सुन के कि उसमें नूतन के बंगले का भी जिक्र है। आप बताइए कि नूतन के बंगले से इनका क्या लगे? प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और तकरीबन सभी को मालूम है कि वो नूतन जो है मतलब वो 60s की हीरोइन थी वो जी। और उस जमाने में मतलब उनको शायद वो पद्मश्री में या किसी में वो जगह मिली थी अवार्ड में, और उसमें उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया था उसमें उसका भी फोटो डाला हुआ उन्होंने, और तकरीबन 80% से ज्यादा काम उसमें ऐसे है कि जो होंगे, जो उड़ान में था ना वही अभी है मोहर विकास पे है। अच्छा, बस होंगे। अच्छा, जो उड़ान के भी अब तक हो ही रहे हैं और अब ये मोहर विकास पे भी होने ही वाले हैं। रफीक साहब, मैं जितेंद्र आवाड़ को जानने वाले उन चंद लोगों में हूं, जो भी मुमरा में 5-7 लोग होंगे ना उनमें मैं एक हूं। 2002-2003 में हमारा महल में ड्रेजर चलता था, अभी आप मेरी बात सुनिए, आपने विकास की बात छेड़ दी है तो आप सुनिए। 2002-2003 में आपका वक्त तो नहीं, कोई बात, हाँ बोलिए आप। हमारा ड्रेजर चलता था वहां पे, मेरा रेती का बड़ा काम था और वहां पे मैं एज अ रॉयल्टी होल्डर वहां पे पहुंचा था। मैं मीनाक्षी पाटिल का बेटा वहां पे जो आमदार बने बाद में, मधुकर ठाकुर और मैं, और फिर बाद में वहां पे जो है मानिकराव जगताप, ये सब हम लोग पार्टनर थे। 20% उसमें मैं भी था और वहां पे मिली है। वहां पे एक सुल्तान मुकादम नाम का एक व्यापारी था जो वहां का ही रिहायश मकामी था। हाँ। और मेरे बाजू में उनका प्लॉट था, वो उस जमाने में राष्ट्रवादी ज्वाइन किया था जब ये जितेंद्र आवाड़ राष्ट्रवादी में यूथ के अध्यक्ष हुआ करते थे ऑल इंडिया के। अच्छा, और कुछ नहीं था इनके पास में। आपको ताजुब होगा सुन के कि ये 2003-2004 की बात बता रहा हूं, बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूं रफीक साहब। एक सेकेंड हैंड लांसर कार
ये लेकर घूमते थे थाना में, जो सुल्तान मुकादम ने इनको दी हुई थी। अच्छा, गिफ्ट की थी? गिफ्ट की हुई थी। अच्छा, और जहां तक मुझे मालूम है ना, 600-650 स्क्वायर फीट का इनका फ्लैट था थाना में, तीन हाथ नाके पे, अब तक भी था। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हैं। कम से कम मैं सुनता हूँ, मैं तो कभी देखा नहीं, कभी मेरे ख्याल से बाहर से भी मैंने ध्यान नहीं दिया, सुनता हूँ ऐसा कि भाई 20-22 हजार फुट का उनका बंगलो है। जी, काफी बड़ा बंगलो है। तो आप बताइए, विकास शहर का हुआ कि इनका हुआ? इन्होंने मुमरा वालों पर एहसान किया, क्या मुमरा वालों के चरण धोके इनको पीना चाहिए कि तुमको 9002 में हमने एक्सेप्ट किया, तो विकास तुम्हारा हुआ है भाई। मैं उन लोगों में हूं जो तुम्हारे को शुरुआत से जानता हूं, मैं उन 10-20 लोगों में हूं। आपको चरण धोके पानी पीने चाहिए इकबाल काजी के, आपको चरण धोके पानी पीने चाहिए मुन्ना साहिल और सलीम कैटलॉग के, जिन्होंने आपको इस शहर में लॉन्च किया। तो विकास ये शहर का आपने कुछ भी नहीं किया, आपकी हकीकत मेरे पास है। मुमरा कौसा में विकास के दावे हैं, इस विकास के दावों के बीच में जो है, पहले की वो उड़ान और अब की ये मुहर विकास की, ये दो किताबें जो सामने आई है, इस बीच में जो है, जो बीच में आपको पता होगा मैंने ही कब्रिस्तान का मुद्दा उठाया था, स्लॉटर हाउस का मुद्दा उठाया था, स्लॉटर हाउस और कब्रिस्तान के रिजर्वेशन का ये जो हेर फेर किया गया और मौजूदा जो कब्रिस्तान अभी वहाँ बना हुआ है, इस पूरे मामले को लेकर के क्या बात रखेंगे आप अपनी? देखिए साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम लोग जब मंत्रालय गए थे और उस वक्त भी सरपरस्ती कुछ हद तक आपने ही की थी हमारी, हम आपके घर पे आए थे, आपकी वालदा का इंतकाल हुआ था और कुछ बातें आपसे हमको मालूम पड़ी थी। तो पहली मीटिंग जब MIM ने रंजीत पाटिल के साथ में की, तो वो मीटिंग लगाने वाला मैं ही था जी, मैंने वो मीटिंग लगाई थी। हमारे एक बहुत करीबी, जैसा मैं उनके गोद में खेला हूँ, एडवोकेट मजीद साहब करके मलकापुर के जी, वो और रंजीत पाटिल वगैरह जो है एकदम करीबी था, तो मैंने उनको कहकर, उन्होंने उनसे बात की और फिर बाद में हमको टाइम मिला। आप यकीन मानेंगे, जब रंजीत पाटिल साहब ने जो वो चीफ सेक्रेटरी क्या बोलते हैं अपना वो, उनके मंत्रालय के, उनको बुलाया, बुलाकर उनको बिठाया और बिठाकर उनसे रूबरू कराया हमें, हम अपनी बात रखते गए और वो जो है पूरा उसको सुन के जो है, उन्होंने साफ लफ्ज़ों में रफीक भाई उस टाइम पर कह दिया था कि आप लोग मुझे लेटर दो, इस पर हम लोग स्टे लाएंगे, ये गड़बड़ है, इसमें कुछ तो कहानी है। मैं समझ रहा हूँ इसको कि कैसे यहाँ से उठा गया, वहाँ फेंका गया और किस तरह से, मतलब जो है ना, उसको हटाया गया स्लॉटर हाउस को, बोले इसको हम लोग करके लेंगे। उसके बाद में 2-3 हमारी मीटिंगें हुई। देखिए रवि साहब, मैं तो एक बात कहता हूँ कि राजनीति करने के लिए तुम्हारे पास में पूरी दुनिया पड़ी थी, पूरा शहर पड़ा था, सब कुछ था, आपको कब्रिस्तान के इशू में हाथ नहीं डालना चाहिए था। सब ये अर्थनीति वाली बात आ गई है इसमें, राजनीति तो अपनी जगह रह गई, इकोनॉमिकल एक वीडियो जो पॉलिटिक्स हुई। रफी साहब, जो वीडियो आपने चलाई थी ना कि तकफील नहीं हो पा रही और अंदर से पानी निकल रहा है और एक जो है मतलब पूरा जनाजा ऐसा रुका हुआ है, इंतजार कर रहा है कि कब मतलब ये सूखेगा, और आपने ही चलाई थी वो वीडियो। नसीर भाई, मेरे पास ऐसे 4-5 वीडियोस है, वो मैं मौके पर, वो भी अभी कुछ न्यूज में आने वाले हैं वो हमारे। बहरहाल नसीर भाई, मैं आपको एक चीज का लेकिन वादा करता हूँ रफी साहब जी, आज मैं मुमरा की अवाम के सामने बात स्पेशली आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ जी। ये लड़ाई उन्होंने डायरेक्ट जो है ना, आमदार ने और जो भी लोग इसमें मुलविस है, ये लड़ाई डायरेक्ट इन लोगों ने जो है ना ऊपर वाले से छेड़ी हुई है, और इसमें इनकी बख्शिश नहीं, आप याद रखना, बचेंगे नहीं। और इसमें जहां जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी, इंशाल्लाह मैं मेरे बच्चों के साथ में, मेरी फैमिली के साथ में खुल के आऊंगा और एक दिन इस चीज को जरूर एक्सपोज करूंगा, इंशाल्लाह इस चीज को मैं जरूर एक्सपोज करूंगा, लोगों के सामने खोलूंगा कि कब्रिस्तान के नाम के क्या गेम हुआ है, इंशाल्लाह। नसीर भाई, काफी अच्छी बातचीत रही आपसे, विधानसभा का चुनाव सर पर है, आपका बहुत अहम रोल माना जा रहा है फिलहाल मुमरा कौसा में MIM के लिए, कलवा में आप अपनी जमीन कैसी बनाएंगे, MIM के लोग क्या बोलेंगे इस पर आप? रफीक साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप सुन के बड़े ताज्जुब में आ जाएंगे कि जब एजाज खान आकर गए, आप यकीन मानेंगे तकरीबन 12-13 कॉल मुझे कलवा से आए, आप यकीन करोगे इस बात को, कलवा से मुझे कॉल आया है। नहीं, तो वो मुस्लिम समाज के लोगों के थे या गैर मुस्लिम समाज? गैर मुस्लिम समाज के लोग। अच्छा, गैर मुस्लिम समाज के। देखिए, जैसे मैंने बताया कि मैंने महाड़ में काम किया हूँ, काफी रेती वाले जो है मुझे यहाँ से लेके कल्याण पूरे थाना बेल्ट में मुझे जानते हैं, जिसमें कुछ खारेगांव कलवा वगैरह में है, कल्याण में है, यहाँ है। यकीन मानेंगे आप, कलवा से
मुझे फोन किया गया कि बोले नसीर भाई इनको कलवा लो, हम प्रोग्राम रखेंगे। देखिए एजाज खान ने कभी भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की जी। उन्होंने हमेशा नाइंसाफी के खिलाफ बात की है, उन्होंने सेकुलरिज्म के दायरे में रह के बात की है। अब ये अलग बात है कि जितने भी शिकार रहे वो मुसलमान रहे, चाहे वो पीलू खान हो, चाहे वो तबरेज अंसारी हो, चाहे जो है वो क्या कहते हैं टीम 07 का हो, ये एक अलग बात है कि जितने भी इफेक्टेड है वो मुसलमान रहे। लेकिन बात उन्होंने हिंदू मुस्लिम की नहीं की, इंसाफ की की है। इंसाफ की है। तो जो गैर मुसलमानों में भी जो मतलब जो पढ़े लिखे सुलझे हुए सेकुलर लोग है, आज रफीक साहब आप इस बात को जानते हैं ना अच्छी तरह से कि इतने बड़े मुल्क में आज भी मुसलमान सर उठा के चल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इनके अंदर भी बहुत बड़ा तबका सेकुलर है, है? ये चंद लोग है जो माहौल को खराब करके रखे हुए। आज भी हम और आप पुलिस स्टेशन में जाकर बैठकर अपनी बात मनवा के लेते हैं ना, डीसीपी एसीपी के पास में जाकर अपनी बात मनवा के लेते हैं ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म बाकी है रफीक भाई। तो ऐसा नहीं है कि एजाज खान को कलवा में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप देखना इंशाल्लाह जितना मुमरा में उनको जो है ना प्यार मिलेगा ना, उतना ही प्यार उनको इंशाल्लाह कलवा में भी मिलेगा। नसीर भाई आखिर में कलवा मुमरा कौसा क्या अपील करेंगे आप तमाम लोगों से, तमाम वोटरों से, क्या अपने मन की क्या अपने दिल की बात रखेंगे उनके सामने? एक बात तो रफीक साहब सच्ची है कि हम शिकायतें करते हैं हमारे उलमाए कराम से और पढ़े लिखे तबके से, डॉक्टर्स हाजरात हो गए, एडवोकेट हाजरात हो गए, टीचर्स हाजरात हो गए कि यार तुम लोग जो है मतलब जो ऐसा हवाड़ के साथ ये ऐसा वैसा ये वो। लेकिन जब जवाब ये आता है ना रफीक साहब कि यार नसीर भाई ऑल्टरनेट क्या है मुझे बताइए ना, तो यार कहीं ना कहीं खामोश होना पड़ता था कि यार वाकई में ऑल्टरनेट नहीं है। आज रफीक भाई मैं आपके चैनल के माध्यम से मुमरा कौसा और कलवा के तमाम सुलझे हुए समझदार सेकुलर लोगों से गुजारिश करूंगा कि अब आपके सामने एक मुतबादिल आ गया है। आप देख रहे हो कि किस तरह से मतलब जो है पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की सियासी तर्जुमानी सिर्फ और सिर्फ एक आदमी कर रहा है, वो है असदुद्दीन ओवैसी। हम ये ना देखें कि कैंडिडेट कौन है, हम ये देखें हम मकसद पर नजर रखेंगे, हम मजबूत किसको कर रहे हैं, हम मजबूत किसको कर रहे हैं, किसकी ताकत हम बढ़ा रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा मुमरा कौसा और कलवा के तमाम लोगों से कि इस बार आपके पास बोलने के लिए कोई जगह नहीं है कि यार हम क्या करें, मतलब इसके सिवा कोई है भी तो नहीं, चेहरा नहीं है, चेहरा नहीं है, अब वो बात नहीं रही, चेहरा आ चुका है, चेहरा आ चुका है, तकरीबन चेहरा आ चुका है। और आपको जो है मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस बार एक होकर जो है असद साहब अकबर साहब को मजबूत करने की कोशिश करें। यह सीट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है हमारी सियासी जमीन है मुमरा की, कलवा मुमरा की। इंशाल्लाह यहां से हम MIM का आमदार 100% भेजेंगे, आप लोगों का साथ चाहिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये मेरी गुजारिश है रफी भाई पूरे हल्के के लोगों से। हिंदुस्तानी रिपोर्टर के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।